गया जिसी अच्छी नहीं बता रखा देखेगा कि तूने क्या सोचा कभी क्या हश्र होगा हश्र में तूने क्या सोचा कभी क्या हश्र होगा हश्र में चार यारे मुस्तफा तेरे दुश्मनी है 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 जिंदाबाद जिंदाबाद बोल 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 अरे माशाल्लाह कि तूने क्या सोचा कभी क्या हश्र होगा हश्र में चार यारे मुस्तफा से दुश्मनी अच्छी नहीं चार यारे मुस्तफा से दुश्मनी अच्छी नहीं ये से बता रखा देखेगा कि उनके दर का जरा भी है आफताब महताब उनके दर का जरा भी है आफताब महताब कैसे कहे तू उनके दर की शय कोई अच्छी नहीं कैसे कह दूं उनके दर की शय कोई एक बार दूसरा पद में देखिए सुनिएगा अल्लाह इनके वाली वाली टाप के मकसद उसके लिए ना फिक्र ना कोई जवाल उसके लिए ना फिक्र ना कोई जवाल है जो आपकी पनाह में है वो निहाल है उसके लिए फिक्र न कोई जवाल है अरे शिवा थोड़ा खा देखिए कि बातिल का कुल के सामने आना मोहाल बातिल का कुल के सामने आना मोहाल है इस्लाम को मिटाए किसकी मजाल है इस्लाम को मिटाए किसकी मजाल है अरे कि है दर को खाली दो हमजा को भेज दे कि है दर को और खाली दो हमजा को भेज दे यार हैदर को खाली को हमजा को भेज दे सरकार को हिंद में जीना मोहाल सरकार अब तो हिंद में जीना मोहाल सरकार अब तो हिंद में जीना मोहाल एक दूसरे का हुक्म हुआ दूसरे पर अपने कि जो मुफलिसो नादार जो जरदार खड़े हैं अल्लाह अल्लाह जो मुफलिसो नादार जो जरदार खड़े हैं इमदाद की सबकी सहे अबरार खड़े इमदाद की सबकी सहे अबरार खड़े एक शलीम चाचा आप नजर कर रहा कि सरकार किसी रोज मदीने में बुला लो सरकार किसी रोज मदीने में बुला लो
में लिए हसरत दीदार खड़े आखिर शेर देखिएगा कि मैं भेजता हूँ जब भी दुरूद आपके ऊपर मैं भेजता हूँ जब भी दुरूद आपके ऊपर लगता है मेरे सामने सरकार खड़े गए मैं भेजता हूँ जब भी दुरूद आपके ऊपर अल्लाह अल्लाह मैं भेजता हूँ जब भी दुरूद आपके ऊपर लगता है मेरे सामने सरकार खड़े हैं लगता है मेरे सामने सरकार खड़े हैं और होने को है अल्लाह के महबूब की आमद होने को है अल्लाह के महबूब की आमद दरवाजे पे सब ताली पे दीदार खड़े दरवाजे पे सब ताली पे दीदार खड़े और सरकार की रहमत का है साया मेरे सर पर सरकार की रहमत का है साया मेरे सर पर दुश्मन जो मेरे सामने लाचार खड़े माशाल्लाह पूरी रात बड़ी सादगी के साथ आप लोगों ने एक के बाद एक को समाप्त किया है। आइए उस लहजे के हुजूर चलते हैं जिसका सिर्फ आप नहीं पूरा मुल्क हिंदुस्तान इंतज़ार कर रहा है। शैफ फारसी कानपुरी उस लहजे का नाम है जहाँ जहाँ ये पहुँचे हैं माशाल्लाह और जहाँ ये नहीं पहुँचे हैं इनकी शायरी वहाँ तक पहुँच गई है इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई है। मुस्तनद लहजा है। मैं इन्हीं के चार मिसरे आहिस्ता से पढ़कर इनको आपके समातों करीब कर दे रहा हूँ कि मुश्किल मेरी राहों में ज़रा तक नहीं आती मुश्किल मेरी राहों में जरा तक नहीं आती आती है मगर माँ की दुआ तक नहीं आती आते हैं मदद करने सरकार वहाँ भी जिस कब्र में हल्की सी हवा तक नहीं आती। मैं इल्तिमास कर रहा हूँ भाई जनाब शोएब रजा वारसी साहब क़िबला से।